हाय, मैं हूँ सीमा। स्वागत करती हूँ आपका अपने कुकिंग चैनल में। आज हम बनाएंगे छेना का रसगुल्ला। छेना का रसगुल्ला हम सभी को बेहद पसंद है। हम छेना का रसगुल्ला आज बनाएंगे, वो भी बिना छेना फाड़े, बिना दूध के, बहुत ही स्पंजी और बहुत ही जूसी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 लीटर के करीब पानी लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हम चाशनी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे 400 ग्राम चीनी हमने 1 लीटर पानी में डाले हैं। 4-5 कूट कड़ी इलायची डालेंगे, जिससे और ज़्यादा टेस्टी हो। और चाशनी को हमको इस टाइप के बनाना है, एकदम चिपचिपी सिर्फ बनाना है, हल्की सी, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हमें तैयार नहीं करना है, क्योंकि तार वाली चाशनी हमें नहीं चाहिए रसगुल्ले के लिए। सिर्फ एक हल्की सी चिपचिपी चाशनी चाहिए। यहाँ पर हमने 400 ग्राम के करीब पनीर लिया है, जिससे बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी रसगुल्ले हमारे बन के जूसी तैयार होंगे, और वो भी बिना छेना फाड़े, बिना झंझट, फटाफट से बनने वाली रसगुल्ला है, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रसगुल्ला हम सभी को बेहद पसंद है। रसगुल्ला के नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। तो इस बार होली में आप इसी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से रसगुल्ला, ढेरों सारे रसगुल्ला बना सकते हैं, और वो भी मिनटों में, झटपट, बिना झंझट। अब इसे बाइंडिंग के लिए और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम 2 चम्मच करीब मिल्क पाउडर डालेंगे, और हल्के से हाथों से इससे पहले हम सबको मिलाएंगे, और फिर इसे धीमे धीमे हथेली से इसे अच्छे से मस लेंगे। जब अच्छे से स्मूथ और चिकना बन जाए, तब तक इसे हम हथेली से मस लेंगे। इस खास ट्रिक से आप पहली बार में ही हलवाई जैसे घर पर एकदम परफेक्ट रसगुल्ला, स्पंजी, जूसी बना सकते हैं, वो भी बिना झंझट, इस आसान ट्रिक से। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, और बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग एक ट्रिक है। आप बहुत दिनों तक इसे बना के और स्टोर करके रख सकते हैं, और टेस्टी बहुत ही बनते हैं, और किसी चीज़ की इसमें झंझट नहीं है। अब यहाँ पे सारे को हम अच्छे से चिकना गोल एक तैयार कर लें। हल्के हाथों हथेली से तब तक इसे मस लेंगे, जब तक कि ऐसा आप जैसा देख रहे हैं स्मूथ ना हो जाए। जितने ही स्मूथ बन के तैयार हमारे डो होंगे छेना का, उतने ही अच्छे हमारे रसगुल्ले स्पंजी बनेंगे, जूसी बनेंगे। और इसे अब छोटे छोटे भागों में, रसगुल्ला के शेप में, आप अपने अनुसार शेप इसका बड़ा छोटा दे सकते हैं। इस ट्रिक से आप रसगुल्ला के साथ रसमलाई भी बना सकते हैं, इसका शेप थोड़ा चेंजिंग कर सकते हैं, चिपटी बना सकते हैं इससे, और गाढ़ा दूध करके इलायची डाल के उसमें रसमलाई भी आप तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके सारे बॉल को बनाएंगे। सारे लोई को हम चिकना करेंगे, हल्के हाथों पे, हथेली से इसे दबाएंगे नहीं, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ जितने हल्के से बनाएंगे उतना ये चिकना बॉल हमारा परफेक्ट तैयार होगा। चाशनी भी यहाँ पे तैयार है। अब एक एक बॉल करके हम सबको इसमें जूस में डालेंगे। चाशनी में आपके नज़र के सामने सारे रसगुल्ले डबल हो जाएंगे, इतने स्पंजी बनेंगे, और इतने आसान ट्रिक से, इससे पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा, और इतने परफेक्ट रसगुल्ले बनेंगे कि आप मार्केट से मंगाना भूल जाएंगे। हर बार आप इसी ट्रिक से आप रसगुल्ला घर पे बनाएंगे, बहुत ही इजी और आसान तरीका है। दूसरा स्टेप ऐसे, आप प्लेट में लीजिए सारे बॉल को, और फास्ट इसे चिकना कीजिए। मैं देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे स्पंजी बन के तैयार हुए हैं हमारे सारे रसगुल्ले। सारे रसगुल्ले डबल हो चुके हैं, और पूरे जूसी और स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। आप इस आसान तरीके से ज़रूर बनाएं, मस्ट ट्राई रेसिपी है। लीजिए, बन के तैयार है स्पंजी हलवाई स्टाइल रसगुल्ला। अब इसे 10 मिनट के लिए ठंडा पहले होने दें, और फिर कुछ देर के लिए इसे फ्रिज में रख दें, उसके बाद निकाल कर इसे एंजॉय करें, मेहमानों को दें, अपने फैमिली में इसे एंजॉय करें, और ज़रूर ट्राई करें, लोग को शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी रेसिपी रसगुल्ले की पसंद आई होगी। अगर हमारे रसगुल्ले की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।